जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपका दोस्त मोहम्मद रियाज पिजन आउटलेट के कॉर्नर से, अपने ही चैनल से और अपने ही सेटअप से। लेकिन आप कोशिश किया करें जिस चैनल पे वीडियो आप देखते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं आपको ना नीले कबूतरों का शौक करवाने लगा हूँ, रिजल्टेड 100% रिजल्टेड कबूतर हैं सारे के सारे, दो नर और एक मादा। हड्डी जोड़ पर कुंदा किसी लिहाज किसी चीज़ की भी कोई इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं आएगी। इसकी दसवीं अभी आ रही है और बारीक तीलियों के बारीक फैदर के कबूतर हैं। खुश्क पंजे, लेकिन ये दूसरा नर है, ये भी नर ही है। आंखें पलके आपने गौर से हर चीज़ देख लेनी है, मोरा इसका, पारकुंदों का भी शौक आप कर लें। रिजल्टेड कबूतर है, जो इससे पहले कबूतर छोड़ा है उसका एक भाई भी पड़ा हुआ है, वो बेसिकली लकवे में है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसकी भी अलग से वीडियो एक बना के रख लूँगा, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन उसकी यहाँ वीडियो नहीं इसलिए बना रहा क्योंकि दोस्त पसंद नहीं करते, हालांकि वो है बिल्कुल ठीक, अंडे बच्चे करता है वो। लेकिन जी ये मादा आँख का डोरा आपने गौर से देख लेना है, पलकें चोंच हर चीज़ आपके सामने है। और हड्डी जोड़ के हवाले से मैं फिर बता रहा हूँ कि ना मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। पारकुंदा आपके सामने, हड्डी जोड़ में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दूसरी मादा है, बेसिकली मैंने एक ही मादा छोड़नी थी इसके साथ। ये हमारा कुकड़ भी जो है ना, देसी कुकड़ जो स्पेशल रखे हैं मैं अंडों के लिए। चीता जब उसका दिल करता है बोल पड़ता है, दोपहर के टाइम अजाने दे रहा है। ये मादा बेसिकली वो मैंने एक ही छोड़ी थी साथ, लेकिन फिर मैंने कहा जी मादियाँ दो कर दूँ ताकि दो नर और दो मादियाँ। ये मिस्सी जालदार मादा ही, इसको आपने गौर से देखना, बहुत हाई क्लास मादी है। ये भी पारकुंदे का ना बैलेंस आपने देख लेना है, ये सफ़ेद पार इसके अंदर जो आए हुए हैं ना दो, इनको आपने गौर से देखना है, और दोनों साइडों पे एक ही जगह पे हैं ये सफ़ेद पार। इस साइड पे भी ये देखें सेम उसी जगह पे सफ़ेद पार है, और ये बड़ी निशानी है बैलेंस होने की। लेकिन जी ये टोटल पीस है, दो मादियाँ और दो नर, अलग अलग सारे रिजल्टेड है, जोड़े लगा हुआ कोई नहीं है, लगाना है जिसको उसको भी समय लगती हो। हर लिहाज से मेरी तरफ से ओके कबूतर होंगे, आगे जिस दोस्त को समय लगती है ऐसे कबूतरों के वाले से, ये भी एक अपना शौक है और हर मौसम में उड़ने वाले कबूतर हैं बेसिकली। कबूतरों की खड़त धड़त किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे लंबी टांगों में और ऊंचे वजूद के कबूतर हैं। जी मज़ीद डिस्कशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे करते हैं। ये मादा ना क्रीज़ में है, थोड़ी सी उसकी खूबसूरती ख़राब हुई है, वरना बड़ी खूबसूरत मादी है ये भी, ये वाली।